सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया। मैं जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सब सेक्रेटरी लोग मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे राज्य के सब। मित्र, आई एम द पर्सन जिसने चीफ मिनिस्टर बनने तक चीफ मिनिस्टर का चेंबर नहीं देखा। आई हैव नेवर विजिटेड अ चीफ मिनिस्टर चेंबर। ऐसा मैं हिसाब चीफ मिनिस्टर बन गया तो मेरी पहली मीटिंग थी, सब आइए सब सब थे, वो मुझे समझा रहे थे कि गुजरात में ऐसा करना है वैसा करना है। एजुकेशन सेक्रेटरी बताया कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में गुजरात 20th नंबर पे। एंड आई वाज शॉक। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, पहली बार बना था, आयु बहुत छोटी थी। आप कल्पना कर सकते हैं क्या मिजाज होगा। अखबार में तस्वीर छप रही थी, टीवी पर दिख रहा था, आनंद का माहौल था। फोर्टी एट आवर में मेरा सब चूर चूर हो गया। रात को रोने सो नहीं पाया। मेरे जैसे गुजरात में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 20 नंबर, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे दुख का दिवस था। मुझे मुख्यमंत्री में आनंद नहीं आया और उस दिन मैंने ठान ली मैं कुछ करूंगा। और इसलिए मैंने एक काम चालू किया, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की स्थिति का कारण किया। फिर मैं जो चीजें करता हूं मैं आपको बताता हूं। एवरी ईयर 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैं खुद गांव जाता हूं, क्योंकि 15 जून को स्कूल शुरू होते हैं। तो 13, 14, 15 जून मैं गांव जाता हूं, मैं उस गांव में जाता हूं जहां मिनिमम एजुकेशन है। फिर मेरे और मिनिस्टर्स जाते हैं, और आईएएस अफसर जाते हैं, और आईपीएस अफसर जाते हैं, और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस अफसर जाते हैं। वो मेरी पूरी टीम 800 लोगों की। मैं खुद घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अभियान चलाता हूं। और अभी पिछले जब से मुख्यमंत्री था ना, लगातार कर रहा हूं मैं। तब ज्योतिदान नहीं था तो गांव में पंखा भी नहीं था, बिजली नहीं थी, फिर भी मैं रात में गांव में रुकता था, इन बच्चों को स्कूल ले जाता था। और पहला काम किया 100% एनरोलमेंट, गर्ल चाइल्ड का 100% एनरोलमेंट आज मेरे राज्य में है। दूसरा, उस समय मेरे यहां ड्रॉप आउट था 59%। एंड यू बी सरप्राइज दोस्तों, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, बच्चियां स्कूल इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि गांव की बच्ची और बच्चियों में कॉन्शियसनेस ज्यादा होता है। गांव की बच्ची तीसरी कक्षा में सेपरेट टॉयलेट नहीं होने के कारण वो स्कूल छोड़ देती थी। मैंने पूरे राज्य के अंदर अभियान चलाया, हर स्कूल के अंदर लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट बनाऊंगा। चीज यूं तो छोटी लगती है मित्र, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़े दर्द की दवा बन जाती है। और आज मेरे यहां 59% ड्रॉप आउट से 2.6% ड्रॉप आउट रहा हूं। मेरा गोल है जीरो ड्रॉप आउट, जीरो। सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया।